दोस्तों आज हम आप सभी को चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के उन 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे भारत के लोग बहुत कम जानते हैं। इन रहस्यों को जानकर आप भी सनातनी होने पर गर्व महसूस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक मार्ग पर। नंबर एक, 200 पुरानी कथाओं के अनुसार पहले भगवान शिव अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ में वास करते थे। फिर एक बार श्री हरि को ध्यान लगाने के लिए एकांत स्थल की तलाश थी, तो उन्हें बद्रीनाथ वाला स्थान बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ भगवान शिव पहले से ही वास कर रहे थे। तो भगवान विष्णु अपने आराध्य से उनका निवास स्थान कैसे मांग सकते थे। तब उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती की नजर उस बालक पर पड़ी, वो उसे चुप कराने की चेष्टा में लग गई, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था। माता पार्वती उस बच्चे को नहीं पहचान रही थी, लेकिन भगवान शिव समझ गए कि वो बालक के रूप में साक्षात नारायण है। माता पार्वती बच्चे को गोद में लेकर अपने कक्ष में सुलाने के लिए ले जाने लगी। भगवान शिव ने उन्हें रोका और कहा कि ये बालक स्वयं चला जाएगा, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वे उसे गोद में लेकर सुलाने लगी। जब वो सो गया तो वह बाहर आ गई। देवी पार्वती के बाहर आने के बाद बालक ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब भगवान शिव वहां पर पहुंचे तो बालक ने उनसे कहा कि उसे ये स्थान पसंद आ गया है और आप यहां से केदारनाथ चले जाएं। इस तरह से ये स्थान बन गया भगवान श्री हरि का धाम, बद्रीनाथ धाम, और भगवान शिव अपने परिवार को लेकर केदारनाथ में वास करने लगे। नंबर दो, बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। मंदिर में भगवान की मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। माना जाता है कि शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की इस प्रतिमा को आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जिसे राक्षस जलंधर की पत्नी वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धारण किया था। नंबर तीन, ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए जाने के बाद भगवान विष्णु की ये मूर्ति एक बार विलुप्त हो गई थी। फिर उसके बाद संत रामानुजाचार्य ने मूर्ति को फिर से स्थापित करवाया। फिर 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और मूर्ति को गुफा से निकालकर मंदिर में स्थापित करवाया। नंबर चार, 200 पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल की रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन, क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर विलुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री के रूप में नए तीर्थ का उद्गम होगा। ये भी मान्यता है कि जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन ये हाथ विलुप्त हो जाएगा उस दिन बद्रीनाथ और केदारेश्वर धाम भी विलुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। नंबर पाँच, 200 भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति के ललाट पर एक हीरा जड़ा हुआ है जिसे देखकर भक्तजन धन्य हो जाते हैं। बताया जाता है कि देवी एकादशी का प्राकट्य भी यहीं पर हुआ था। पद्म पुराण में बताया गया है कि विष्णु जी ने यहीं पर मुर नामक राक्षस का वध किया था। मंदिर में बद्रीनाथ के दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति स्थित है तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति को शीतकाल में जोशी मठ में लाया जाता है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाई ओर नर नारायण की मूर्ति स्थित है, इसके समीप ही देवी और भूदेवी है। नंबर छह, आदि गुरु शंकराचार्य जब बद्रीनाथ आए थे यहाँ पर रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत की ओर चले गए थे और तिब्बत जाते ही वे बद्रीनाथ जी की मूर्ति को नारद कुंड में डुबोकर चले गए। बौद्ध धर्म के लोग ऐसा मानते थे कि ये मूर्ति गौतम बुद्ध की है। आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से इस मूर्ति को निकालकर इस मंदिर में स्थापित करवाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति विराजमान है उसकी रूपरेखा बिल्कुल गौतम बुद्ध की रूपरेखा से मिलती जुलती है, यानी कि बौद्ध धर्म के लोग इसी तरह की गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाया करते थे। नंबर सात, 200 बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल है, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है, पुरानी कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है,
शेष नाग के रूप में एक विशाल शिलाखंड शेष नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान भी है, जिसे चरण पादुका कहते हैं। यह बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका हुआ शिखर नीलकंठ है, जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो हर मंदिर में शंख बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ में इस पर रोक है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि बद्रीनाथ मंदिर के आसपास पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है, ऐसे में शंख बजाने से निकलने वाली ध्वनि बर्फ से टकरा सकती है, जिससे बर्फ के तूफान आने का खतरा रहता है। दूसरा, बद्रीनाथ में शंख ना बजाने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान कर रही थी, तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर नामक राक्षस का वध किया था। लेकिन विष्णु जी देवी लक्ष्मी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने शंख नहीं बजाया था। तभी से बद्रीनाथ में शंख ना बजाने की परंपरा है। नंबर 9। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे, तब बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर बर्फ से पूरी तरह से ढकने लगा था। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप वर्षा हिम से बचाने की कठोर तपस्या में लग गई। कई वर्षों के बाद जब भगवान श्री हरि ने अपना तप पूरा किया, तो देखा कि देवी लक्ष्मी हिम से ढकी हुई है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी को देखकर कहा कि देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। नंबर 10। चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम दो बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।